सहारनपुर अवैध संबंधों के चलते थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के व्यक्ति की गई हत्या। थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मोहल्ला राधा बिहार नुमाइश कैंप क्षेत्र में हुई अज्ञात गुमशुद की अपहरण सनसनीखेज हत्या की घटना सहारनपुर पुलिस लाइन सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया और बताया कि शौकत पुत्र शमशाद नूर बस्ती कोतवाली नगर सहारनपुर का गुमशुदा होने के संबंध में कोतवाली नगर पर मुकदमा अज्ञात पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए कोतवाली नगर पुलिस टीम को लगाया गया। इसमें कोतवाली नगर पुलिस द्वारा घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तगण रफाकत राशिद व सहनवाज के कुब्बेहट अड्डे व पुरानी चुंगी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। अभियुक्तों से पूछताछ करने पर अभियुक्तों का मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध बताया गया और शौकत को पार्टी के बहाने बेहट क्षेत्र में नहर के पुल के पास जंगलात में बुलाकर शराब पिलाकर गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया गया। अभियुक्त शहनवाज की निशानदेही पर मृतक शौकत का शव बेहट नहर के किनारे घने जंगल के बीच शौक समंदर तालाब से बरामद किया गया। अभियुक्तगढ़ के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जा रहा है। ब्यूरो चीफ सहारनपुर से हैदर अंसारी की रिपोर्ट। थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत 6 तारीख को एक व्यक्ति का गुमशुदगी सूचना मिली थी, तो तत्काल गुमशुदगी दर्ज करते हुए सर्च ऑपरेशन करवाया गया था। पूरा टीम गठित की गई थी और तमाम गहराई छानबीन जांच से पता चला कि ये व्यक्ति 2-3 लोगों के साथ गया था, तो उन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो पूछताछ में पता चला कि इनको ये 3 लोगों ने उनको साथ में लेके जाकर एक बेहट में एक बाग में उनको मार दिए थे गला दबाकर और वहीं उनको गाड़ दिए थे। तो जब गहराई से छानबीन पूछताछ किया तो इन्होंने सारा घटनाक्रम को बताया और इन्हीं की निशानदेही पे बॉडी रिकवर करा दिया गया और पोस्टमार्टम करा दिया गया है। इसमें 3 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुई है और इसमें नियमानुसार माननीय न्यायालय के सामने प्रेषित की जा रही है और टीम को मेरे द्वारा इनाम घोषित किया गया। सर, क्या कुछ कारण रहे हैं? जो अवैध संबंधों को लेकर ये कत्ल किया गया है और इसमें जो भी संलिप्त जो लोग हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया है।